का जिक्र करेंगे। भोपाल की बात करते हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 29 मई के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। गुना और टीकमगढ़, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार भीषण गर्मी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को सता रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है कई सारे जिलों के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और ज्यादा पारा हाई हो जाए, इसी को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है। कई सारे जिले हैं जहां पर ऐसी स्थिति बनी रहेगी। शाजापुर है, मंदसौर है, नीमच है, भोपाल है, और भी ऐसी कई सारी जगह हैं, विदिशा है, रायसेन है, खंडवा है। यहां पर हीट वेव और ज्यादा बढ़ सकती है। खरगोन, उज्जैन, देवास इसमें शामिल हैं, और ज्यादा यहां पर गर्मी, भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। झुलस रही दिल्ली, तप रहा है हिमाचल, झांसी में 132 साल बाद पारा 48 डिग्री पार। जैसलमेर में तापमान 53 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर से दक्षिण तक गर्मी का जानलेवा हमला हो रहा है। घर में लगे एयर कंडीशनर फेल हो रहे हैं और बाहर आसमान से आग बरस रही है। इस साल गर्मी ने मई महीने में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी भयानक गर्मी में भी हमारे देश के जवान डटकर सीमा पर तैनात हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ पारा 53 डिग्री पार कर चुका है। गर्मी का आलम देखिए कि जमीन पर अगर कुछ खाने का सामान रख दिया जाए तो वो पक जाता है। ऐसा वाक्या राजस्थान के जैसलमेर से सामने आया, जहां बीएसएफ के जवान रेत पर पापड़ सेकते और ऑमलेट बनाते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीएसएफ का एक जवान गाड़ी के बोनट पर पापड़ सेक रहा है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक बीएसएफ जवान की हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से मौत हो गई। इन जवानों का कहना है कि रेत इस तरह से आग की भट्टी बन जाती है कि कई बार रेत पर चलते चलते जूते के सोल पिघल जाते हैं। राजस्थान में जैसलमेर से जयपुर तक यही हाल है। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते के दौरान 35 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के 20 जिलों में मंगलवार को लू का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलोदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3। सीवियर हीट वेव का दौर अब राजस्थान में अगले एक दो दिन और ही जारी रहेगा। 30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। राजधानी दिल्ली में भी 27 मई को अधिकतम तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच गया। हरियाणा के सभी स्कूलों में मंगलवार से गर्मी की छुट्टियां लागू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के 54 शहरों में मंगलवार 28 मई को हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।